हेलो दोस्तों, तो देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बातें कर लिया हुआ था किसके बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग आईआर स्ट्रेचिंग ऑफ कार्बोनिल। दो फैक्टर मैंने आपको डिस्कस करा था पिछले लेक्चर में, एक मेटल पे नेगेटिव चार्ज और दूसरा फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था वो था नंबर ऑफ लिगेंड। आज हम तीसरा फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग व्हेन लिगेंड वेरी इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो स्फीयर के अंदर लिगेंड है उसको वेरी करोगे तो क्या इफेक्ट होगा। फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, पीछे का जो लेक्चर्स मैंने कर रखे हैं उनको आपको प्रॉपर तैयार रखना है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, इसलिए मैं हर इफेक्ट को प्रॉपरली पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं इसलिए सबको डिटेल में डिस्कस करना है और प्रॉपर आपको समझाना है, इसलिए पीछे के लेक्चर्स आप लगातार देखते चलिए। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस हैं इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड के डोनर प्रॉपर्टी या एक्सेप्टर प्रॉपर्टी की वजह से मेटल कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड में वेरिएशन होंगे, एंड दीज वेरिएशंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल एंड मेटल कार्बन बॉन्ड। तो इसलिए फटाक से एक बार आप पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लीजिए, जरूरी है उसको रिवाइज करना। और तीसरे फैक्टर पर हम चलने से पहले कुछ चीज़ आपको बता देना चाहते हैं। देखो, मैंने जब फैक्टर डिस्कशन शुरू किया था तो आपको सबसे पहले बताया था सारे फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे स्ट्रेचिंग को, तो उनमें से दो हमने क्लियर कर लिया। तीसरा ये था कि जो मॉलिक्यूल कार्बन पे, अभी मेटल पे, जो मॉलिक्यूल में मेटल पे चार्ज डेंसिटी बढ़ता था, मैं पिछले लेक्चर को रिकॉल कर रहा हूँ, अगर मॉलिक्यूल पे पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज डेंसिटी बढ़ता है तो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ता है, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो आपका मेटल कार्बन स्ट्रेचिंग हाई हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग क्या होगी, लोअर हो जाएगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर नंबर ऑफ लिगेंड वेरी करेंगे तो ज्यादा लिगेंड होने से मेटल पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई होगा, उस केस में भी बॉन्डिंग ज्यादा होगा, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। तो हमें क्या मिल रहा था कि ग्रेटर नंबर ऑफ लिगेंड, ग्रेटर बैक बॉन्डिंग, पुअर सीओ स्ट्रेचिंग, लोअर नंबर ऑफ लिगेंड, मिनिमम बैक बॉन्डिंग, ग्रेटर सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑप्टेन किए। तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग व्हेन लिगेंड वेरी इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बोनिल का, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम का लिया हुआ है। इसमें देखिए क्रोमियम क्या है, D2SP3 हाइब्रिड और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स को हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जनरेट होके आएगा जिसमें दो टाइप के फेस होते हैं, एक एक्सियल होता है और दो इक्वेटोरियल है, ठीक है। ये चार कार्बोनिल इक्वेटोरियल पे और ये दो कार्बोनिल एक्सियल पे है। अब अगर इसमें हम बात करें तो ऑल कार्बोनिल्स आर ट्रांस टू ईच अदर। देखिए, ये कार्बोनिल इसके ट्रांस है, ये कार्बोनिल इसके ट्रांस है, ये कार्बोनिल इसके ट्रांस है, मतलब कि ऑल CO ट्रांस टू ईच अदर, सब एक दूसरे के जस्ट ट्रांस पे हैं। अब करना क्या है हमको, इन्हीं में वेरिएशन करना है किसी एक लिगेंड को हटा के। अब किसी एक लिगेंड को, ये रिएक्शन देखिए मैंने क्या करा, इस रिएक्शन में एक कार्बोनिल को किसी L लिगेंड से रिप्लेस किया है। अब ये L क्या हो सकता है, यहाँ का भी पोजीशन ले सकता है, यहाँ का भी पोजीशन ले सकता है, यहाँ का भी। अब ध्यान दीजिए, ये मेटल जो है इधर भी बैक बॉन्डिंग करता है, इधर भी बैक बॉन्डिंग करता है। ध्यान से देखिए, मैंने ये डायग्राम बनाया, मैंने इस एक्सियल को यहाँ पे चूज किया, ठीक है। एक्सियल एक्सियल को लेके चलते हैं, किसी एक को ले सकते हो, मैंने एक्सियल एक्सियल को लिया। तो क्रोमियम क्या है, इधर भी कार्बोनिल से पाई बॉन्ड बनाएगा, इधर भी कार्बोनिल से पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक कार्बोनिल को इधर दिया जा रहा है, दूसरा इधर, तो दोनों क्योंकि सेम लिगेंड हैं, बोथ कार्बोनिल्स आर आइडेंटिकल, तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, बैक बॉन्डिंग होगा, वो दोनों कार्बोनिल के साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये देखिए, ये जो बॉन्ड बना क्रोमियम का डी और कार्बोनिल का पी था, तो डी पाई पी पाई, सेम चीज यहां भी डी पाई पी पाई। तो बिकॉज दोनों लिगेंड आइडेंटिकल है भैया, तो जब आइडेंटिकल होंगे उस केस में 50% पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे दिया जाएगा और 50% पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल को सप्लाई कर दिया जाएगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बोथ कार्बोनिल।
यहां पे इन दोनों पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन दोनों पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस केस में हर कार्बोनिल का CO स्ट्रेचिंग आइडेंटिकल आने वाला है, यहां पे सबका आइडेंटिकल आने वाला है। अब हमको यही देखना है कि एक को अगर हम रिप्लेस कर दिए, इसको हमने अगर रिप्लेस कर दिया, सपोज करो मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, ये स्ट्रक्चर आपका बना इस तरीके से, ठीक है, L आके यहां पे जुड़ गया, बाकी सारे कार्बोनिल को कांस्टेंट रखते हैं, तो अब इस L पे बहुत कुछ डिपेंड कर जाएगा। मुझे यही डिस्कस करना है कि वो L कैसे अफेक्ट करता है, ये L क्या हो सकता है जो इसके स्ट्रेचिंग को अफेक्ट करेगा। नॉर्मल क्रोमियम में मैंने आपको दिखा दिया कि दोनों कार्बोनिल है तो दोनों का स्ट्रेंथ सेम होगा, जितना बैक डोनेशन इस कार्बोनिल को उतना ही इसको होगा। बट अगर हम एक कार्बोनिल को हटा कोई लिगेंड से रिप्लेस कर दिए तो अब चेंज हो जाएगा, अब इसके जो ट्रांस होगा, ये L, ये वाला L जिस कार्बोनिल के ट्रांस जाएगा उसके CO स्ट्रेचिंग पे अफेक्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इधर भी बैक बॉन्डिंग करना था इसको, इधर भी बैक बॉन्डिंग, अब इस लिगेंड का नेचर बताएगा कि किधर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, किधर बैक बॉन्डिंग कम होगा। सपोज करिए कि ये जो L है, ये जो लिगेंड है, ये सिग्मा डोनर है, तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर L सिग्मा डोनर है तो पाई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पूरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल को लेना पड़ेगा, और जब कार्बोनिल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा तो बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। बैक बॉन्डिंग हाई हुआ तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी लोअर हो जाएगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर लिगेंड जुड़ा हुआ CO से खराब पाई एक्सेप्टर है, कम पाई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उन हर केस में आपको CO का स्ट्रेचिंग घटेगा क्योंकि बैक बॉन्डिंग कार्बोनिल का बढ़ जाएगा। दूसरा केस हो सकता है ये सिग्मा डोनर के जगह पाई डोनर हो, पाई डोनर होगा तो और ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा इसके साथ क्योंकि जी सिर्फ डोनर है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर ये पाई डोनर है तो डोनर स्पीसीज क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देंगे क्रोमियम को, और क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन खुद लेंगे नहीं, जब खुद इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे तो बेचारे कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और बैक बॉन्डिंग की जैसे कार्बोनिल की CO स्ट्रेचिंग डिक्रीज कर जाएगी। अचानक से माहौल बनता है L पाई एक्सेप्टर हो जाता है, CO से भी बढ़िया पाई एक्सेप्टर हो जाता है, तो CO को मिलेगा रिलैक्सेशन क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ये खा लेगा, ये चबा लेगा पूरा, जब पूरा इसका पाई इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ये खाएगा तो CO को क्या मिलेगा, बड़ा सा सांस लेगा, ओ माय गॉड अब तो बच गए, और जब बच गए तो बैक बॉन्डिंग नीचे ज्यादा होगा तो CO की स्ट्रेचिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमें यही देखना है कि लिगेंड क्या हो सकता है, लिगेंड जिस कार्बोनिल के ट्रांस पे होगा उसी कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग पे इफेक्ट आएगा, बाकी पे इफेक्ट नहीं आएगा। उसी को डिस्कस करने के लिए मैंने डायग्राम यहां पे सब बना रखे हैं, अब इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान से आपको समझ में आया, ये लिगेंड जिसके ट्रांस होगा उसके CO पे पक्का इफेक्ट होने वाला है, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। अब ये L के बिहेवियर पे है, L कैसा बिहेव करता है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, दोनों कार्बोनिल हैं तो 50-50 पाई बॉन्डिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों पे इक्वल रहेगा तो जो स्ट्रेचिंग इसका आएगा वही स्ट्रेचिंग इसका आएगा, तो इस केस में म्यू CO क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, दोनों का, इसका भी और इसका भी बराबर होगा। अब देखिए हमने जैसे ही L को रिप्लेस किया ये कंडीशन आ गया, अब ये कंडीशन आने पे दो केसेस पॉसिबल है। केस वन क्या बोलता है भैया, देखिए क्या बोलता है कि जब पाई एसिडिटी ऑफ L, ये लिगेंड है,
कि पाई एसिडिटी ऑफ लिगेंड इज लेस देन सीओ, मतलब क्या हुआ कि इसको पाई एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सीओ से कम होगी। उस केस में आप ध्यान रखिए हमेशा न्यू सीओ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और न्यू एमसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर हमारा लिगेंड पुअर पाई एक्सेप्टर है कार्बोनिल से, तो पक्का बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड सीओ में बढ़ जाएगा, और अगर सीओ में बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो ओबियस सी बात है कि बैक बॉन्डिंग हाई होने पे मेटल कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग घट जाएगी। तो ये पहला केस, इसको अभी डिटेल डिस्कशन में करने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा केस देखिए क्या है, दूसरा केस ये बोलता है कि हो सकता है कि जो लिगेंड लिया गया है भैया, वो लिगेंड बढ़िया पाई एसिडिटी वाला हो, अच्छा पाई एसिडिटी वाला हो, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा लेता होगा कार्बोनिल से, उस केस में पूरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल को दे दिया जाएगा। इन दैट केस न्यू सीओ बढ़ जाएगा, बट न्यू एमसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मेटल कार्बोनिल का स्ट्रेंथ पुअर हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन का स्ट्रेंथ हायर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कैसे पता हो किसकी पाई एसिडिटी ज़्यादा है, किसकी पाई एसिडिटी कम है। तो ये टेबल है आपका रिलेटिव पाई एसिडिटी का, इसमें क्या होता है ध्यान से समझिए। रिलेटिव पाई एसिडिटी ऑर्डर क्या बताता है, एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ ए लिगेंड टू एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल। ये पावर है, एबिलिटी है किसी लिगेंड का कि मेटल से कितना पाई इलेक्ट्रॉन खींच ले, जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना बढ़िया पाई एक्सेप्टर, जितना कम खींचेगा उतना पुअर पाई एक्सेप्टर होगा। तो बेटर पाई एक्सेप्टर है मतलब कि बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड बहुत तगड़ा है, मजबूत है, और जहां पे बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी मजबूत होगी वहां पे एमसी बॉन्ड बढ़ेगा, सीओ बॉन्ड घटेगा। तो इस लिगेंड का अगर हाई होगा तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो आपका ये है कार्बोनिल है उसको कम मिलेगा, तो वहां पे सीओ आराम से एक्सपेंड कर सकता है, वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा ऑब्जर्व होगी। तो चलिए इन दोनों केस को डिस्कस करते हैं। ये रिलेटिव पाई एसिडिटी को जरा मैं बता दूं, सबसे बढ़िया नाइट्रोसिल का, नाइट्रोसिल आर द बेस्ट पाई एक्सेप्टर, देन कार्बोनिल, देन PPF3, PCl3Q। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी भी डिक्रीज करेगा। फिर आपका POPH3 का है, उसके बाद POR3 का, PR3 का, देन आपका आ गया इथीन, PSR2, PPH3, PME3 और RCN। ये आपका पाई एसिडिटी ऑर्डर है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये फास्फोरस वाले जो है ना बाबा, ये बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इनको जरा ध्यान से याद में रखना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये या तो पाई एक्सेप्टर के टर्म में पूछ लेगा तुमसे, या तो सिग्मा डोनर। अब ध्यान से देखो, ये पाई एक्सेप्टर बढ़िया है तो सिग्मा डोनर खराब होगा, ये देखो पाई एक्सेप्टर खराब है तो सिग्मा डोनर बढ़िया होगा। अब इस फास्फोरस पे जितना तुम इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे वो सिग्मा डोनर उतना अच्छा होता चला जाएगा, पाई एक्सेप्ट नहीं करेगा बट सिग्मा डोनेट कर देगा। तो यहां पर अगर पूछे कि सिग्मा डोनेशन का ऑर्डर क्या है, तो सबसे अच्छा PME3, PPH3, उसके बाद POR3 हो जाएगा, POR3, POPH3, फिर ये सब आपका ऑर्डर लग जाएगा। तो दोनों टर्म में पूछ सकता है, सिग्मा डोनर या पाई एक्सेप्टर। तो जो अच्छा पाई एक्सेप्टर है वो खराब सिग्मा डोनर, और जो अच्छा सिग्मा डोनर है वो खराब पाई एक्सेप्टर होता है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं केस वन को डिटेल में, ठीक है। तो चलिए इस डायग्राम को पूरा बना लीजिए, मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं केस वन। केस वन में देखेंगे हाउ इट अफेक्ट पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक। चलिए इसको बना लीजिए अच्छे से। अब देखिए क्या है, पाई डोनर हो सकता है या तो
सिग्मा डोनर, हम इनकी बात करेंगे कि गिवन लिगेंड इज पाई डोनर और सिग्मा डोनर। दोनों केस में बैक बॉन्डिंग जो होगा पाई एक्सेप्टर पुअर होगा तो कार्बोनिल का बढ़ेगा। ठीक है, समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, एक मिनट, बोर्ड अच्छा सा क्लियर होना चाहिए ना, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। देखो बाबा, हम डिस्कस करने वाले हैं केस वन। केस वन में क्या बोला गया है, वो केस क्या है, व्हेन एल इज पुअर पाई एक्सेप्टर देन सीओ। जब ये सीओ से खराब पाई एक्सेप्टर होगा तो बस इसी स्ट्रक्चर को ध्यान से आप देख लीजिए, मैं आपको यहीं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ध्यान से देखो, ये क्या होगा, ये सिग्मा डोनर है या पाई डोनर, दिस एल मे बी सिग्मा और पाई डोनर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल पे सप्लाई कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल पे सप्लाई करेगा तो ये बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाई हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाएगा। कंपटीशन है, क्या कंपटीशन है, जरा देख लो। अभी अगर दोनों कार्बन तो बराबर बराबर बटा था, अब जब ये सिग्मा डोनर है तो इसका इलेक्ट्रॉन ये तो लेगा नहीं, अब नहीं लेगा तो मेटल तो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, वो तो सप्लाई करेगा, तो जो कमजोर पड़ेगा, कमजोर कौन पड़ेगा, कार्बोनिल, उसको बेचारे को इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना पड़ेगा जो इसने इसको दिया था, अब वो कंपनसेट कौन करेगा, कार्बोनिल। तो अब देखिए बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देगा, ऐसे समझिएगा कि अगर ये क्रोमियम था बाबा, तो ये क्रोमियम का पी ऑर्बिटल, सॉरी डी ऑर्बिटल, पी नहीं डी ऑर्बिटल, और इस साइड क्या लगा हुआ है, कार्बोनिल। अब ध्यान से देखिए, फॉर दिस केस व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग एक्चुअली। ठीक है, अब देखिए क्या है, इस लिगेंड के पास ये सिग्मा डोनर भी है बट वेरी पुअर पाई एक्सेप्टर। ठीक है, वेल लिगेंड इज पुअर पाई एक्सेप्टर देन सीओ, बट यहां लिख लो बेटर सिग्मा डोनर। जब सिग्मा डोनर अच्छा होगा उस केस की बात करेंगे। तो देखिए क्या है, इधर से ये कार्बोनिल का पाई बॉन्डिंग, ठीक है, दिस इज पाई बॉन्डिंग, ये लिगेंड का पाई बॉन्डिंग। ठीक है, अब जब लिगेंड का ये पाई बॉन्डिंग तो सिग्मा बॉन्डिंग कहां पे है, ये सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा, ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, दिस इज सिग्मा बॉन्डिंग एंड दिस इज पाई बॉन्डिंग। देखो यहां पे क्या है, ये बेटर सिग्मा डोनर है तो यहां पे जो बनेगा डी पाई पी पाई। ठीक है, और जो यहां पे बनेगा डी पाई पी पाई, बिकॉज दिस इज अ बेटर सिग्मा डोनर और ये क्या है, पुअर पाई एक्सेप्टर और ये क्या है, यहां पे बेटर पाई एक्सेप्टर। L से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया CO। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, L पुअर हो गया CO से। तो अब इस केस में देखिए क्या है कि यहां पे जो होगा, दिस इज ग्रेटर देन 50%, ये 50% से क्या होगा, हाई हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड 50% से ज्यादा, क्योंकि ये बेचारा ले ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन। और यहां पे जो होगा लेस देन 50%,
मतलब कि जो भी 50-50% दोनों साइड बांटा गया, अब इधर क्या होगा, 50 से ज़्यादा जाएगा, इधर 50 से कम आएगा। तो जब इधर 50 से कम आएगा 50%, तो दिस इज पाई बॉन्डिंग। क्या होगा, पाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो ये क्या होगा, दिस बॉन्ड वीकन, वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीकनिंग, ये बॉन्ड वीकनिंग होगा। तो इस केस में समझिए कि न्यू सीओ डिक्रीज करेगा और न्यू एमसी इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो केस अराइज हो रहा है उसमें न्यू सीओ डिक्रीज करेगा और न्यू एमसी इंक्रीज करेगा। अब ध्यान दीजिएगा एग्जांपल के लिए कि सिग्मा डोनर और दूसरा आपने लिया है पाई डोनर। तो सिग्मा डोनर में आपको जो लिगेंड थे वो थे आपके क्या, NH3 है, PR3 है, ये सब आपका सिग्मा डोनर। और पाई डोनर कौन है, हैलाइड्स हैं और ये आपके ऑक्साइड्स हैं, दे आर द पाई डोनर। एल्कीन है, एल्कीन आर पाई डोनर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड कहाँ पे कम होगा, ठीक है, बैक डोनेशन नहीं कर सकते यहाँ पे, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल किसमें ज़्यादा होगा, पाई वाले बेटर होंगे, पाई डोनर बेटर देन सिग्मा डोनर। ठीक है, तो अगर हम बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड की बात करें, बैक बॉन्डिंग के मैग्नीट्यूड की बात करें, विथ सीओ, तो पाई वाले में ग्रेटर देन सिग्मा डोनर। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर पाई डोनर लिगेंड लगा होगा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा इसको। देखो पाई डोनर क्या होता, ये लेता नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन देने लगता, मेटल को पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होगा सिग्मा बॉन्ड टाइटली बाइंडेड है, डोनेट अच्छे से नहीं कर सकता, बट पाई बॉन्डेड क्या होते हैं, वीकली बॉन्डेड, वो आसानी से डोनेट करे जा सकते हैं। तो पाई डोनेशन हो जाएगा तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो और बैक बॉन्डिंग बढ़ा, और बैक बॉन्डिंग बढ़ा तो सीओ स्ट्रेचिंग कमजोर, एमसी स्ट्रेचिंग मजबूत। तो अगर सिग्मा और पाई डोनर में लड़ाई हो जाए तो पाई डोनर अच्छे डोनर हैं, सिग्मा डोनर पुअर डोनर है। तो पाई डोनर के केस में क्या होगा, आपका बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड हाई होगा, सीओ स्ट्रेचिंग लोअर देन सिग्मा। ठीक है, ये आपका हो गया पहला केस। अब इसमें हमें कुछ एग्जांपल करने हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे कैसे हमें करने हैं। ठीक है, आप इसको पूरा बनाइए पहले, जहां नहीं समझ में आए मैं डिस्कस करता हूं, आप पहले इसको पूरा कंप्लीट बना लीजिए। ठीक है, इसको पूरा बनाइए। बन गया। अब मैं एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं, इसको मैं मिटा दूं, यहीं पे इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज करो हमने ये एक्सियल पे ही रखा था, ठीक है, तो इस एक्सियल पे देखिए क्या होगा, म्यू एमसी बॉन्ड जो होगा, एक्सियल की बात कर रहा हूँ, म्यू एमसी बॉन्ड, ठीक है, मेटल कार्बन इंक्रीज करेगा और म्यू सीओ बॉन्ड डिक्रीज करेगा। ठीक है, पहला, दूसरा स्ट्रेंथ एमसी, यहां पे होगा एक्सियल के लिए था ये दोनों, फॉर एक्सियल बॉन्ड। अब फॉर इक्विटोरियल के लिए, इक्विटोरियल में देखो क्या होगा भैया, इक्विटोरियल में दोनों इक्वल इक्वल है तो यहां पे एमसी बॉन्ड लेस होगा, डिक्रीज करेगा और न्यू सीओ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस बात को ध्यान में क्यों रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक्सियल वाले का ही सीओ देखो डिक्रीज किया है, इक्वेटोरियल वाले का सबका क्या था, जैसा था वैसा ही, क्योंकि यहां पे जो लगा होगा
कार्बोनिल, दिस कार्बोनिल इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन दिस एल, तो इधर भी बराबर और इधर भी बराबर होता, ठीक है। तो ये चीज आपको बना के रखना है कि एक्जियल वाले जो मेटल कार्बन बॉन्ड है मजबूत हो रहे हैं, बट इक्वेटोरियल वाले एक्जियल से कमजोर रहेंगे। इक्विटोरियल वाला जो MCO बॉन्ड है वो कमजोर हो रहा है, बट इक्विटोरियल वाला एक्जियल वाले से मजबूत रहेगा, क्योंकि वहां का जो CO है दिस इज बेटर पाई एक्सेप्टर, गुड पाई एक्सेप्टर। इसको पूरा बनाइए, अब हम लोग करेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं अरेंज करने के लिए, क्वेश्चन लिखा जाए केस वन पे, अबे केस टू भी डिस्कस कर ले तब क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। केस टू भी डिस्कस कर लो, तो चलिए केस टू भी पहले डिस्कस कर ले तब एक साथ ही हम लोग कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। केस टू क्या है? केस टू ये बोलता है व्हेन एल इज बेटर पाई एक्सेप्टर, बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO। मजा आने वाला है यहां पे, मतलब जो L है वो CO से बढ़िया पाई एक्सेप्टर है। तो ऐसे केस में समझिएगा क्या है, ये जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया है बाबा CO और यहां पे L, अब ध्यान से देखियो क्या होगा। ये जो L है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड हाई हो जाएगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड पुअर हो जाएगा। L क्या है? गुड पाई एक्सेप्टर, गुड पाई एक्सेप्टर। तो ये क्या होगा? बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा, बट यहां का जो बैक बॉन्डिंग होगा बैक बॉन्डिंग वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि पूरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ले लिया, ये CO से ज्यादा भूखा है पाई इलेक्ट्रॉन का, ये मेटल से पूरा पाई इलेक्ट्रॉन, भाई मुझे दे दो मैं तो बहुत ज्यादा भूखा हूँ, आई एम मरिंग, मैं मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, तो पूरा पाई इलेक्ट्रॉन ये चबा लेगा। जब ये चबा लेगा तो CO क्या होगा? ये वीक। जब MC बॉन्ड वीक होगा तो ओबियस सी बात है CO बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रेंथेन होगा, वहां पे आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यही डायग्राम जब यहां बनाया जाएगा, ये डायग्राम जो हम लोग अभी बना रहे थे इस जगह पे जब बनाएंगे, अब थोड़ा रफ एंड टफ बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे जो L था बिकॉज इट इज बढ़िया पाई एक्सेप्टर, नाउ इट इज मार पूरा पाई इलेक्ट्रॉन इसका जो है मेटल का ये खुद खींच ले रहा है। ये क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ मैं बना दूँ, ये आपका है डी पाई पी पाई, और ये भी आपका क्या है डी पाई पी पाई। ये क्या होगा? लेस देन 50%, ठीक है, और ये क्या होगा? मोर देन 50%, क्योंकि यहां पे ग्रेटर ग्रेटर पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये बढ़िया पाई एक्सेप्टर है, इसलिए ये जो स्ट्रेंथ होगा हाई बैक बॉन्डिंग, और यहां पे क्या होगा? पुअर बैक बॉन्डिंग। तो अब आ गया मजा, CO को मिल गई आजादी, क्योंकि मेटल का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था अब CO कम ले रहा है, और ये जो L आया था वो L ज्यादा ले रहा। तो ऐसे केस में देखिए क्या होगा, न्यू CO जो होगा न्यू MC डिक्रीज करेगा, और न्यू CO क्या होगा? इंक्रीज करेगा। समझ में आया ये बात? क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्ट्रेंथ है वीक होगा तो CO स्ट्रेंथ क्या होगा? मजबूत होगा। तो अब यहां कह सकते हो कि यहां पे म्यू MC एक्सियल जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और न्यू जो CO है वो इंक्रीज कर रहा है एक्सियल का, ठीक है।
किस से, एंड दिस इज ग्रेटर देन न्यू एम सी इक्विटोरियल, जिसका हाई होगा, और म्यू सी ओ इक्विटोरियल का लोअर होगा। ठीक है, इन दोनों को कंपेरिजन कर लो, एक्सियल का डिक्रीज करेगा, ये इधर होगा और इसमें इधर होगा, ये इधर होगा और ये, सॉरी ये नहीं लगाना चाहिए मुझे, हमको ये लगाना चाहिए। मतलब कि अगर इस केस में न्यू सीओ एक्सियल और न्यू सीओ इक्विटोरियल की बात करोगे तो क्या होगा, एक्सियल का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे देखो सीओ सीओ 50-50% दोनों पे था, बट यहां पे क्या होगा, बैकबॉन्डिंग इसका कम होगा, कम होगा तो सीओ स्ट्रेचिंग हाई हो जाएगा। तो ये केस नंबर 2 है, इसको प्रॉपर डिस्कशन करना था। ये दोनों केस मैं आपके सामने रख दिया हूं, मुझे लगता है ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो सिंपल सा मैं एक बार फिर से समझा दूं, अभी क्वेश्चन करेंगे कि अगर L डोनर है तब तो MC जो बैक बॉन्डिंग है कार्बोनिल का वो बढ़ जाएगा, बट अगर L एक्सेप्टर है, पाई एक्सेप्टर, तो MC का जो बैक बॉन्डिंग है वो घट जाएगा, मेटल कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा। तो डोनर के प्रेजेंस में CO की स्ट्रेचिंग घटेगी और एक्सेप्टर के प्रेजेंस में CO की स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। अब करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस, तो इसको बना लीजिए, क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। Now it's time for question. Question क्या है? Arrange following in decreasing order of HCl CO bond length. Question ये है, Arrange following in decreasing order of CO bond length and increasing MC bond length, ये axial रहेगा, ध्यान रहे axial MC bond length। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है आपके पास, यहां पे L है, ये CO है, एंड दिस L इज इक्वल टू एक बार PF3 है, एक बार PBr3 है, एक बार PR3 है, और एक और क्या है भैया, PH3 है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको अरेंज करना है। ठीक है, और दूसरी बार दिया गया है सेम चीज़ को, NO प्लस है, ठीक है, C2H4 है, इसके बाद PPH3 है, और इसके अलावा आपके पास एक और POPH3 है, इस केस में अरेंज करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, अरेंज फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन देयर डिक्रीजिंग न्यू सीओ एक्सियल स्ट्रेचिंग। ठीक है, अरेंज फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन देयर डिक्रीजिंग न्यू सीओ एक्सियल स्ट्रेचिंग। ठीक है, वहां पे क्या लगाया गया है, मैं एक कॉम्प्लेक्स लिख के बाकी सब में कॉमन कर दे रहा हूं, CO। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, पहला लिगेंड लिया गया है आपका, यहाँ पे लिया गया है PPH3,
कॉमा NH3, फिर दूसरा लिया गया है NME3 और चौथा लिया गया है आपका PBr3 पहली बार, और सेकेंड टाइम लिया गया है C2H4NH3, उसके बाद लिया गया आपका क्लोरीन, एंड देन लिया गया आपका C2CN4 H को रिप्लेस कर दिया गया किससे, साइनाइड से। अब आपको इसमें बताना है कि दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है, पहला ये था और दूसरा आपका ये है। इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो हमें क्या निकालना है, ये इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। अब देखो क्या है कि सब कुछ L पे डिपेंड करेगा कि L क्या है, तो ये सारे लिगेंड क्या है, पाई एक्सेप्टर है, दीज ऑल आर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो हमें CO का इंक्रीजिंग बताना है, ठीक है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बताना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ MC। तो जहां पे MC इंक्रीज करेगा वहां ऑब्वियस ही बात है CO डिक्रीज करेगा। तो जिस लिगेंड में बैक बॉन्डिंग मिनिमम होगा वहां पे CO को पाई इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो हमें यह पता करना है कौन सा सबसे पुअरेस्ट, सबसे वीक टाइप का वो है, सबसे वीक टाइप का पाई एक्सेप्टर है, जो सबसे वीक टाइप का, इसको सही कर लो, PCH3 कर लो, सबसे वीक टाइप का जो आपका पाई एक्सेप्टर होगा वहां पे CO पे बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा। तो देखिए पाई एसिडिटी लिगेंड का क्या है कि पाई एक्सेप्टर सबसे बढ़िया PF3 था, देन आपका PBr3 था, देन आपका PPH3 था, सबसे खराब PCH3 था, ठीक है। तो ये पाई एक्सेप्टर है, ये यहाँ पे गुड पाई एक्सेप्टर, ये गुड पाई एक्सेप्टर है, तो यहाँ पे MC बॉन्ड लोअर होगा और CO बॉन्ड हायर होगा, ठीक है, इस केस में। और अगर ये क्या है पुअर पाई एक्सेप्टर, तो पुअर पाई एक्सेप्टर अगर ये है तो इस केस में MC बॉन्ड इंक्रीज करेगा और CO बॉन्ड डिक्रीज करेगा, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मेटल से तो CO को ज़्यादा करना पड़ेगा, CO ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा तो MC बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, MC बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो CO बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। तो ये ऑर्डर क्या हो गया क्वेश्चन के हिसाब से कि सबसे PCH3 में, फिर PPH3 में, फिर PBr3 में, फिर PF3 में, ये आपका होगा ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग का। सिमिलरली दूसरा देखो सबसे बेस्ट पाई एक्सेप्टर है, उसके बाद आपका बेस्ट पाई एक्सेप्टर ये है, उसके बाद आपका ये है, उसके बाद ये है। तो इस केस में सबसे बढ़िया पुअर पाई एक्सेप्टर ये वाला है ना, तो PPH3 सबसे पहले आएगा दूसरे केस में PPH3, देन POPH3, देन इथीन, एंड सबसे बढ़िया कौन होगा NO+। तो ये आपका सबसे, क्योंकि बेटर पाई एक्सेप्टर है तो यहाँ पे पुअर MC बॉन्ड, कमजोर MC बॉन्ड होगा, लॉन्गेस्ट MC बॉन्ड, और क्योंकि ये सबसे खराब पाई एक्सेप्टर है तो यहाँ पे सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग MC बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब इसके बारे में बात करते हैं, इस बारे में बात करेंगे तो देखना है कि डिक्रीजिंग CO एक्सियल, ये न्यू इसका घटता हुआ, तो इसका न्यू घटता हुआ मतलब जब बैक बॉन्डिंग क्या हो, बढ़िया हो। तो देखो सबसे बढ़िया जब लिगेंड का नेचर डोनर होगा, एक्सेप्टर होगा ही नहीं,
तो सीओ का बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगा। तो इस केस में जो सबसे बढ़िया, देखो ये केवल सिग्मा डोनर या सिग्मा डोनर, ये पाई एक्सेप्टर और ये पाई एक्सेप्टर। अब इन दोनों सिग्मा डोनर में इस पे मेथिल ग्रुप लगा है, एल्किल ग्रुप सारे इलेक्ट्रॉन डोनर, तो बढ़िया डोनेट करेगा तो सबसे ज्यादा क्या होगा, मिनिमम जो सीओ आएगा इसी में आएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बैक बॉन्डिंग मैक्सिमाइज करेगा, सीओ बॉन्ड वीक, तो यहाँ पर वीक सीओ में मिनिमम न्यू सीओ आएगा, तो सबसे कम आएगा आपका, डिक्रीजिंग बताना है तो मैक्सिमम आपको मिलेगा पी बी आर थ्री में, फिर पी पी एच थ्री में, फिर अमोनिया में, एंड देन आपको किस में आएगा, पी एम ई थ्री, सॉरी कहा गया, हाँ एन एम ई थ्री में। ये आपका है डिक्रीजिंग सीओ का, ये सबसे ज़्यादा अच्छा न्यू सीओ इसमें मिलेगा, सबसे कम इसमें मिलेगा। सिमिलरली इसको आपको लगाना है, देखो ये पाई एक्सेप्टर पाई डोनर भी है, सिर्फ पाई डोनर है, ये सिग्मा डोनर है और ये पाई एक्सेप्टर है, तो इसमें सबसे खराब जो आएगा मिनिमम क्लोरीन के केस में, क्योंकि इट इज अ बेस्ट पाई, सॉरी इट इज अ बेस्ट पाई डोनर। देन आपका आएगा ये पाई एक्सेप्टर भी है और ये भी पाई एक्सेप्टर है, ये ज़्यादा अच्छा पाई एक्सेप्टर क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इसमें सबसे कम आएगा क्लोरीन में, फिर इथीन में, C2H4 में, उसके बाद सॉरी गलत कर दिया, सिग्मा डोनर पहले, प्योर डोनर है ये, एक्सेप्टर भी है, पाई एक्सेप्टर भी है, तो अमोनिया में, फिर आपका इथीन में, फिर आपका C2CN4 में, ये होगा आपका ऑर्डर, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए, और भी क्वेश्चन हमें करने हैं, और डिटेल में मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बारे में, पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए तब, ठीक। चलिए तो इसको कंप्लीट करें, अगले लेक्चर में और बात करेंगे हम लोग, इसको पूरा कंप्लीट करिए, पीछे का लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक, ओके।